नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग ऑन टू कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। एट टी इक्वल टू जीरो देयर पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर सोन इन फिगर। द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी एट टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट कोसेंट्रिकली एक सर्कल पर घूम रहा है, एक का रेडियस आर वन है वो इस तरफ जा रहा है और एक का रेडियस आर टू है जो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, आर टू है जो इस तरफ जा रहा है। ओके, तो पाई बाई टू ओमेगा पे, पाई बाई टू ओमेगा पे ये कितना घूम जाएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो घूमेगा कितना, थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। तो पाई बाई टू ओमेगा इंटू ओमेगा कट गया, ये पाई बाई टू के बराबर आ गया। ठीक है, मतलब ये पाई बाई ये इधर यहाँ पे घूमेगा और ये वाला किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा इसका मोशन। ओके, तो अब देखिए कि इसके वेलोसिटी को यदि आप लिखना चाहते हैं वी ए माइनस वी वी, तो ए कौन सा है, ये ए है और बी कौन है, ये। ठीक है, तो यहाँ पे वी ए का जो वैल्यू है, वी ए का वैल्यू कितने के बराबर है, ओमेगा आर वन माइनस आई कैप। ठीक, ओमेगा आर वन माइनस आई कैप, और सेकेंड वाले का जो वैल्यू है, वी बी का जो वैल्यू है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका कितने के बराबर आ जाएगा, ओमेगा आर टू माइनस आई कैप, ये आ जाएगा। तो आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी ये कैलकुलेट करना है आपको। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, वी ए का वैल्यू माइनस ओमेगा आर वन आई कैप, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा आर टू आई कैप। तो आई कैप आप कॉमन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा आर टू माइनस ओमेगा आर वन, ओमेगा भी कॉमन आ जाएगा, ओमेगा आर टू माइनस आर वन आई कैप, आर टू माइनस आर वन आई कैप, ये आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर इस पेपर का तो 31 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सीप ए इज सेलिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी 30 आई कैप एंड 50 जे कैप किलोमीटर पर आवर, वेयर आई पॉइंट ईस्ट एंड जे पॉइंट नॉर्थ। ठीक है, कोई पॉइंट, कोई सीप है ए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सीप है जो कि चल रहा है 30 आई कैप 50 जे कैप से, मतलब 30 आई कैप और 50 जे कैप से चल रहा है, और सिप बी जो है 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ है सिप ए से। तो 80 किलोमीटर ईस्ट मतलब इस तरफ 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ पे कहीं पे है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 80, 150। ये सिप बी का है, यहाँ पे सिप ए है और यहाँ पे सिप बी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और सिप बी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब वो इस तरफ चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। ओके, सही है। तो इसका जो वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी घटेगा, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर में स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये 80 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। ठीक है, ओके, तो एक्स डिस्टेंस जो घट रहा है वो 30 प्लस 10 40 से घट रहा है एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स जो होगा बचेगा टी टाइम के बाद वो कितना बचेगा, 80 माइनस 40 टी बचेगा, टी टाइम मान लीजिए चल गया। और वाई डिस्टेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा, ठीक है, तो ये इसकी तरफ जा ही रहा है तो बचेगा 150 माइनस 50 टी, ये बचेगा। तो टोटल डिस्टेंस
जो इसके बीच का होगा किसी टी टाइम पे, वो हो जाएगा 80 माइनस 40 टी का होल स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50 टी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको स्क्वायर करके डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देते हैं तो एस स्क्वायर। अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा आपको लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आ गया 80 माइनस 40 टी का होल स्क्वायर, 150 माइनस 50 टी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के टर्म में, तो ये आ जाएगा 2s ds by dt। यहाँ पे आ जाएगा 2 into 80 माइनस 40 टी, और इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट करें तो 80 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 40 टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस 40 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 into 150 माइनस 50 टी, ओके 2 into 150 माइनस 50 टी, और इसके बाद इसके अंदर का डिफरेंशिएशन 150 का 0 और माइनस 50 टी का, यहाँ पे माइनस 50 आ जाएगा, ओके अब इसी को जीरो कर देना है। जीरो के बराबर जैसे ही करेंगे तो वो समय निकल जाएगा जब वो मिनिमम सेपरेशन पे होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 बचेगा, 8 तो 8 इंटू 80 माइनस 40 टी, ठीक है, ओके ये माइनस में बचा, और ये माइनस में एक और बचेगा, जीरो कट चुका है तो ये बचेगा 10 5 इंटू 2 150 माइनस 50 टी, ये आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, और ये बचेगा माइनस 640 और ये बचेगा माइनस 320, माइनस 320, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 320 टी, ठीक है। और फिर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस 1500, ठीक, और यहाँ पे बचेगा 500 टी प्लस, डेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कितने के बराबर आएगा, 0 कैंसिल आउट हो सकता है, माइनस 64 माइनस 150 ये बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 प्लस 50, मतलब ये आ जाएगा 82 टी, डेट इज इक्वल टू 0। अब टी का वैल्यू आ गया, इन दोनों को यदि जोड़ दें आप तो ये कितने के बराबर आएगा, ये आ जाएगा 4 और 6 5 11 एक 214 बटा 82, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब आप कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 107 बाई 41, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ये, तो अप्रॉक्सीमेट 2.6 आवर आएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, 2.6 आवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि द स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, अ स्विमर कैन स्विम एट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर क्रॉस द रिवर स्टेट, ओके मतलब ये ऐसे करके इसको क्रॉस करना है, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, इधर का स्पीड ये 2 किलोमीटर पर आवर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो इधर का जो इसका जो कंपोनेंट होगा 4 sin थीटा, ये 4 sin थीटा जो होगा वो 2 के बराबर होगा, तो 4 sin थीटा का वैल्यू 2 के बराबर होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो फ्लो के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, 120 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये 120 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये इंक्लाइंड में इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है 15 डिग्री एंगल पे। ये 15 डिग्री एंगल दिया है, 15 डिग्री एंगल दिया है। अब यहाँ पे क्या है, अब आप कंपोनेंट इक्वेशन का ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ठीक है, इसका यदि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्लाइंड प्लेन पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2u sin θ / g cos α के बराबर। ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, 2u sin θ / g cos α के बराबर होता है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ओके। और हॉरिजेंटल रेंज आप कैसे निकालोगे, तो ऐसा ये एंगल टोटल कितना हो गया, ये टोटल एंगल हो गया अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल रेंज निकालने के लिए, तो इसका यदि वेलोसिटी डिस्टेंस आप निकाल लो, ये जब एक्स निकालोगे आप, ये जो एक्स निकालोगे, ठीक है, तो ये अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल रेंज मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस अल्फा का जो वैल्यू आएगा, कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस एक्स बाय आर, तो आर का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, एक्स बाय कॉस अल्फा, ठीक है। और एक्स का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा जो वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, मतलब ये जो यू है इसका जो ये कंपोनेंट होगा, ठीक है, मतलब यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी बाय कॉस अल्फा। इस तरीके से आप हॉरिजेंटल रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, यू का वैल्यू दिया जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, यू का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में यह आ जाएगा 2 into 2 into sin 15 degree, ठीक है, यह आ जाएगा 2 into 2, यहाँ पे sin 15 degree by g cos अल्फा, तो cos 30 degree आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, cos अल्फा cos 30 degree आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये पुट कर देना है, यहाँ पे g का वैल्यू कितने के बराबर है, 10 के बराबर, तो ये आ गया 0.4 sin 15 degree बाय cos 30 degree, ओके, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये पुट कर देते हैं और हॉरिजेंटल रेंज निकाल लेते हैं, तो u का वैल्यू कितना है 2, और cos 45 डिग्री हो गया 1/√2, और cos अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, √3/2, ऊपर ये 2 चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया u cos अल्फा प्लस थीटा बाई cos अल्फा, और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पर हम लोगों ने ये निकाल रखा है 0.4 into sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1/2 √2 / ये sin 15 डिग्री का वैल्यू हो गया, बाय cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, तो ये यहाँ पे √3/2 एक और आ जाएगा, √3/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो √2 है और ये जो √2 है, ये √2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आप इसको कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो √3 into √3, ये 3 हो जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, 0.8/3 into √3 - 1, इतने के बराबर आएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.8 into √3 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, 1.73, मतलब 0.73/, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। इसको आप, ये मीटर में आएगा,
इसको सेंटीमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर में आ गया, ये तो मीटर में आ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 73, यहाँ पे आ गया 73/3 इंटू 0.8, ठीक है। अब ये कितने के बराबर आ जाएगा, 24 और 56, 56 2 58, ठीक है। तो यहाँ पे 58.4/3 आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 20 सेंटीमीटर के करीब आएगा। तो इसका 20 सेंटीमीटर फाइनल आंसर है। ओके, तो इस तरीके से इस पे बेस्ड ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज गिवेन बाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितना दिया है, 2x-9x2, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखे हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि एंगल कैलकुलेट करने के लिए कि कितने एंगल पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई 2x-9x2 इफ इट वेयर लॉन्च एट एन एंगल थीटा नॉट विथ ए स्पीड वी नॉट, देन थीटा नॉट और वी नॉट का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए यदि आपको याद हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है x tan थीटा इंटू 1-x/r, ये होता है। तो इसको यदि रिलेट करें, यहाँ से यदि आप 2x को कॉमन कर लेंगे तो ये 2x को कॉमन करने पे यह आ जाएगा 1-9x/2, ठीक है। 1-9x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो sin थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2/, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो √5 के बराबर। और cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√5 के बराबर। ये sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू आ रहा है। अब यदि इसको आप पुट कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा कि कितना वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी भी निकालना है इस केस में, ठीक है। तो कितना वेलोसिटी होगा यदि ये निकालना चाहते हैं आप, तो हॉरिजॉन्टल रेंज से आप रिलेट करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज 2/9 के बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ से आप रिलेट करें तो ये आ जाएगा 2/9 के बराबर, और ये होता है u² इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा/g, ठीक है। तो यहाँ से 2/9 आ गया, u² यही निकालना है, u² 2 into sin थीटा 2/√5, cos थीटा 1/√5, / g का वैल्यू 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, √5 into √5 5 आ जाएगा, 5 into 5 25 आ जाएगा। तो u² का वैल्यू जो आएगा 25/9, तो u का वैल्यू आ गया 5/3 meter per second, ठीक है। तो u का वैल्यू आ गया 5/3 meter per second, इसका फाइनल आंसर आ गया 5/3 meter per second। और एंगल का जो वैल्यू आ गया है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1/√5, ठीक है। वेलोसिटी आ गया 5/3 और एंगल आ गया कॉस इनवर्स 1/√5, ये आ गया एंगल कॉस इनवर्स 1/√5, और स्पीड आ गया 5/3 meter per second, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स आर्टिलरी गन विथ एन एंगल विथ एन इनिशियल स्पीड सच दैट इट हिट द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस आर, t1 and t2 विद द वैल्यू ऑफ द टाइम टेकन बाई इट टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंकें या 90-θ एंगल पे फेंकें, π/2-θ एंगल पे फेंकें, तो उसका हॉरिजेंटल रेंज सेम होता है। तो ये अब दो तरीके से फेंका गया जिसमें हॉरिजेंटल रेंज सेम है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है, तो आपको एक टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो आ जाएगा 2u sin θ/g, और दूसरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आ जाएगा 2u sin
90 माइनस थीटा बाय जी, ठीक है। तो T1 into T2 का जो वैल्यू है, T1 into T2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 4 U² by G² इंटू ये आ गया साइन थीटा और ये वाला आ गया कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया T1 into T2। अच्छा, तो अब आप यदि इसको रिलेट करें तो 2 sin θ into cos θ sin 2θ हो गया, U² sin 2θ / g ये हॉरिजेंटल रेंज हो जाएगा। तो T1 into T2 का जो वैल्यू है वो 2R / g के बराबर आ जाएगा। ये आ गया T1 into T2 का वैल्यू, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि एकदम सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये भी, 2 particles आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u सच दैट दे हैव द सेम रेंज r बट द डिफरेंट मैक्सिमम हाइट h1 and h2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, देख लेते हैं। तो फिर से वही हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है U² sin²θ / 2g होता है, ठीक है। तो ये h1 हो गया और दूसरे h2 के लिए जो आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, U² / 2g और sin²θ की जगह पे क्या होगा, sin²(90 − θ). तो ये आ जाएगा क्या, cos²θ। तो h2 आ गया आपका U² cos²θ / 2g और h1 आ गया U² sin²θ / 2g, ठीक। यदि आप इसमें h1 और h2 करें, h1 into h2 यदि करें, ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, U⁴ sin²θ into cos²θ / 4g² ये आ जाएगा। अब यदि आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रेंज का स्क्वायर है, ये क्या है, हॉरिजेंटल रेंज का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/16 और U² sin²θ, 2 sin θ into cos θ को हम लोग sin²θ लिख सकते हैं, U² sin²θ / g का ², ठीक है, ये आ जाएगा। तो H1 into H2 का वैल्यू आएगा, ये हॉरिजेंटल रेंज है, R² / 16, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इससे पहले वाले का ये आंसर है। तो R² का वैल्यू 16 H1 into H2 के बराबर आ जाएगा, R² = 16 H1 into H2, ठीक है। ये था मोशन इन 2 dimension के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगले दिन हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन JEE Main 2019 में पूछा गया था वो हम लोग करेंगे। थैंक यू।